जंगल के दो सबसे खूंखार शिकारी जानवर, जिनसे जंगल के बड़े बड़े जानवर भी खौफ खाते हैं। दोनों इतने फुर्तीले हैं कि शिकार को संभलने का मौका भी नहीं देते। दोनों अपने अपने इलाके के डॉन कहलाते हैं। लेकिन क्या होगा जब जंगल के दो खूंखार जानवर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? क्या बाघ ब्लैक पैंथर को हरा देगा या फिर ब्लैक पैंथर टाइगर को बता देगा कि जंगल का असली डॉन कौन है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सीरीज में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे दो महादानवों की जंग और जानेंगे कि ब्लैक पैंथर और बाघ में से कौन है ज़्यादा ताकतवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर के बारे में। तो काली रात के अंधेरे में घात लगाकर अपने शिकार पर खतरनाक तरीके से हमला करने में इन्हें महारत हासिल होती है, इसलिए इसे रात का शहंशाह भी कहा जाता है। अपने नाम की ही तरह इनके शरीर का काला रंग रात के अंधेरे में शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर को भी ब्लैक पैंथर की तरह अकेले शिकार करना पसंद होता है। इनकी कमाल की फुर्ती, बेमिसाल ताकत इन्हें जंगल का सबसे खूंखार शिकारी बनाती है। टाइगर जब भी किसी पर हमला करते हैं तो इनके छुरी जैसे दांत और नुकीले पंजों से बचना नामुमकिन होता है। चलिए अब जानते हैं दोनों के आकार और वजन के बारे में। अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो एक ब्लैक पैंथर की 65 इंच लंबी पूंछ के साथ इनकी लंबाई करीब 1.8 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 100 किलो के आसपास होता है। वहीं अगर टाइगर की बात करें, तो बंगाल टाइगर की 100 इंच लंबी पूंछ के साथ कुल लंबाई करीब 3 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 250 किलो तक होता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर इस दुनिया में सबसे बड़े टाइगर है, जिनकी लंबाई करीब 3.5 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन 300 किलो तक होता है। इसका मतलब आकार और वजन के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर पर भारी पड़ेगा। अब बात करते हैं दोनों की रनिंग स्पीड के बारे में। एक बाघ करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ कई बार जानवरों का दौड़कर शिकार भी करते हैं और इनकी रफ्तार के आगे अच्छे अच्छे जानवर घुटने टेक देते हैं। वहीं अगर ब्लैक पैंथर की बात करें, तो ब्लैक पैंथर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी कि अगर दोनों में से किसी को भागना पड़ा तो ब्लैक पैंथर तो भागकर अपनी जान बचा लेगा, पर बाघ नहीं भाग पाएगा। टाइगर और ब्लैक पैंथर शिकार करने के लिए सबसे ज्यादा अपने जबड़े की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दोनों के बाइट फोर्स के बारे में। एक टाइगर के बाइट फोर्स की अगर बात करें, तो एक बाघ करीब 1000 PSI का बल अपने जबड़े से उत्पन्न कर सकता है। वहीं एक ब्लैक पैंथर करीब 1050 PSI का बल अपने जबड़े से उत्पन्न कर सकता है। यानी कि जबड़े की ताकत में भी ब्लैक पैंथर टाइगर से आगे हैं। अब बात करते हैं दोनों की जंपिंग स्किल्स के बारे में। अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर लगभग 12 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं, जबकि ये 20 फीट लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। वहीं टाइगर भी 12 फीट ऊंची छलांग आसानी से लगा सकते हैं और ये भी 20 फीट छलांग आसानी से लगा लेते हैं। यानी कि जंपिंग के मामले में तो टाई हो गया। अब आखिरकार दोनों जानवरों के बारे में जान लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। देखिए, अगर दोनों में जंग होती है तो ये देखने वाली बात होगी कि जंग कब हो रही है, क्योंकि अगर जंग दिन में होगी तो बाघ ब्लैक पैंथर को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाघ के इतने बड़े आकार और बेमिसाल ताकत के आगे ब्लैक पैंथर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वहीं अगर लड़ाई रात में होती है तो ब्लैक पैंथर का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर को रात में शिकार करना पसंद होता है और इसके काले रंग के कारण बाघ को इसे देखने में काफी मुश्किल आएगी। और अगर एक बार ब्लैक पैंथर ने 1100 PSI वाले अपने जबड़े से टाइगर की गर्दन को पकड़ लिया, तो टाइगर के लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल बात होगी। अगर ओवरऑल बात की जाए, तो मुझे लगता है कि बाघ ब्लैक पैंथर को हरा देगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।